हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मुंगेर में कांवरियों पर आवारा कुत्ते का हमला। तारापुर में कच्ची कांवरिया पथ पर एक ही कुत्ते ने 50 कांवरियों को काटा, सभी अस्पताल में भर्ती किए गए। मुंगेर में शराबनी मेले के दौरान कच्ची कांवरिया मार्ग स्थित तारापुर में सुबह 6 बजे करीब 50 कांवरियों को आवारा कुत्ते ने काट लिया। सभी बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय ग्रामीण और दुकानदारों को भी निशाना बनाया। सभी मरीजों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल तारापुर लाया गया और यहाँ पर सभी मरीजों का इलाज अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर बीएन सिंह के नेतृत्व में किया गया। अगली खबर, बिहार में कमजोर मानसून की वजह से बढ़ी बेरोजगारी, कम हुए काम के अवसर। और इसे कमजोर मानसून और निर्माण में सुस्ती का असर कह सकते हैं। जुलाई में राज्य में रोजगार के अवसर बहुत कम हो गए। बीते महीने राज्य में बेरोजगारी दर 18% पहुंच गई है, यह जून की तुलना में 4% अधिक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के विश्लेषण के मुताबिक अप्रैल को छोड़ दे तो यह दर पिछले साल भर में सबसे अधिक है। जुलाई माह में काम के अवसर कम होने के 2 मुख्य कारक माने जा रहे। यह समय धान की रोपनी का है। मॉनसून में अच्छी वर्षा होने पर पूरे महीने ग्रामीण श्रमिकों को काम मिलता था, लेकिन कम वर्षा के कारण रोपनी कम हो पाई है। और अब यदि अगस्त महीने में वर्षा की स्थिति में सुधार हुआ तो काम मिलने की संभावना भी बन रही है। अगली खबर, विकासशील इंसान पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी लगातार बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटे हैं। मुकेश सैनी पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें अपने जनाधार बनाने का टिप्स दे रहे। मुकेश सैनी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर राज्य का नेतृत्व करने के लिए लालू, नीतीश और बीजेपी के स्टाइल में काम करना होगा। मुकेश सैनी ने इस दौरान कहा कि मंत्री पद से हटाने के लिए बीजेपी ने बड़ी चालाकी से काम किया। अगली खबर, पटना में भाजपा के 7 मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति की बैठक के अंतिम दिन 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई। भाजपा ने गृह मंत्री अमित शाह एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प पारित कर दिया है। और अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा वर्तमान से ज्यादा सीटें जीतेगी। बिहार में जदयू के साथ भाजपा के संबंधों को भी स्पष्ट कर दिया गया। अमित शाह ने सारे कयासों पर विराम लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव एवं 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अगली खबर, बिहार में स्नातक वोकेशनल कोर्स में नामांकन से पहले सीटों का निर्धारण किया गया अनिवार्य। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक वोकेशनल कोर्स के विभिन्न विषयों में छात्र छात्राओं के नामांकन लेने से पहले उसके लिए सीटों का निर्धारण सरकार से कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने अगले शैक्षणिक सत्र से वोकेशनल संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए यह निर्देश महाविद्यालय को दिया है। शिक्षा विभाग ने वोकेशनल पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति का आदेश शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सूची, उनका आधार संख्या एवं उसके बैंक खाते की भी जानकारी मांगी है। अगली खबर, BPSC 66वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आई है। बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं परीक्षा का परिणाम 4 अगस्त तक आ सकता है। इस बाबत BPSC की ओर से तेजी से कवायद की जा रही है। 66वीं परीक्षा को लेकर वर्ष 2020 से ही प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2020 में 691 पदों के लिए आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें गन्ना प्राधिकारी के 2 पदों को वापस लिए जाने के बाद अब 689 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया हो रही है। अगली खबर, बिहार में 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बिहार में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को तेज करते हुए 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जल्द ही इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र 400 से 800 की जनसंख्या पर बनाए जाते हैं। जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। अगली खबर, बिहार में एनीमिया मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है, कमी लाने के लिए सरकार चलाएगी विशेष अभियान। बिहार का स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में एनीमिया के बढ़े हुए मामलों को देखते हुए इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। एनीमिया से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, लोगों के बीच यह जानकारी प्रसारित करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग अपने इस अभियान में शिक्षा विभाग के साथ समेकित बाल विकास परियोजना का सहयोग भी लेगा। विभाग एक पुस्तिका भी प्रकाशित करेगा जिसमें एनीमिया की वजह और इससे बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदमों का पूरा ब्यौरा उसमें दर्ज होगा। अगली खबर, बिहार में शराबबंदी के बाद भी लगातार जहरीली शराब से हो रही मौतें। ऐसे राज्य में जहां किसी भी रूप में शराब का व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है,
पटना शहर के दो युवकों की 21 जुलाई को अवैध शराब पीने से मौत हो गई। युवकों की पहचान अखिलेश कुमार और विवेक कुमार के रूप में हुई, जबकि उनके दोस्त अभिषेक कुमार की आंखों की रोशनी चली गई। आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कुमान कॉलोनी के रहने वाले थे और पटना के कुमरार मोहल्ले के विशाल कुमार एवं शशि भूषण यादव से शराब खरीदी थी। 28 जुलाई को सारण जिले के एकमा थाने के एसआई को नशे की हालत में पकड़ा गया था। एसआई की पहचान निरंजन मंडल के रूप में हुई और वह कथित तौर पर शराब के नशे में थाने और आसपास के इलाकों में घूम रहा था। इसी तरह के मामले लगातार सामने आ रहे और इससे बिहार में शराबबंदी की पोल लगातार खुलती जा रही। अगली खबर, सलमान खान को मुंबई पुलिस ने गन रखने का लाइसेंस दे दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले सुपरस्टार मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसालकर से मिले थे और आत्म सुरक्षा का हवाला देते हुए हथियार रखने की एप्लीकेशन दी थी। सलमान को 5 जून को जान से मारने की धमकी मिली थी। लेटर में लिखा था कि सलमान जल्द ही तुम्हारा हाल मूसे वाला जैसा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान उसके बाद से ही अपने सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। इससे पहले सलमान ने अपनी कार को भी अपग्रेड किया और उन्होंने अपने लैंड क्रूजर कार को बुलेट प्रूफ करवाया था और आर्मर लगवाया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कार के सभी कांच को बुलेट प्रूफ करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लैंड क्रूजर का नया मॉडल नहीं है बल्कि पुराने मॉडल को अपग्रेड किया गया है। अगली खबर, गोवा बार केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन भेजा। कोर्ट ने कहा कि बिना तथ्यों की जांच किए बिना कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी की, इससे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनकी बेटी जोइस ईरानी और परिवार को नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मृति की बेटी का गोवा में बार है, इसका लाइसेंस अवैध है। स्मृति ईरानी ने इन आरोपों के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ की मानहानि का केस दाखिल किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ना तो जमीन स्मृति और उनकी बेटी की है और ना ही रेस्टोरेंट। इन लोगों ने कभी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया था। स्मृति ईरानी की छवि बिगाड़ने के लिए उनके खिलाफ बयानबाजी की गई और ये टिप्पणियाँ जानबूझकर की गई थी। अगली खबर, भारत में मंकी पॉक्स का खतरा तेजी से बढ़ रहा। इसी बीच केरल के त्रिशूर में 22 साल के शख्स की मौत मंकी पॉक्स से हो गई। स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने बताया कि युवक 21 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था, जिसके बाद उसे 27 जुलाई को अस्पताल में भर्ती किया गया था। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 5 कन्फर्म केस सामने आ चुके हैं और इस मामले में हैरानी की बात यह है कि युवक यूएई में ही मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया था। भारत लौटने के एक दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद लक्षण दिखने पर उसने त्रिशूर में इलाज की मांग की थी। अब पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए सैंपल ने भी इस मामले की पुष्टि कर दी है। जॉर्ज का कहना है कि इस मामले के लिए उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी। युवक की मंकी पॉक्स से मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे देश में अलर्ट किया है। अगली खबर, लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई पर सरकार की ओर से जवाब दिया। देश में बढ़ती महंगाई पर यूपीए सरकार के रहते देश में महंगाई 9 बार डबल डिजिट में रही। यूपीए सरकार के दौरान 22 महीने रिटेल महंगाई 9% से ज्यादा रही। हम महंगाई को 7% से नीचे लाने की कोशिश कर रहे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी संग्रह पिछले 5 महीनों से लगातार 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जून में डबल डिजिट में बढ़ोतरी हुई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई 2022 में हमने जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा उच्चतम कलेक्शन हासिल किया है। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन जो 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा, ये लगातार 5वें महीने हैं जब कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपये से ऊपर जा रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमें देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा और भारत दुनिया में क्या स्थान रखता है। विश्व ने ऐसी महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। महामारी से बाहर आने के लिए हर कोई अपने स्तर पर काम कर रहा, इसलिए मैं भारत के लोगों को उसका श्रेय देती हूँ। विपरीत हालत में भी भारत की इकोनॉमी बेहतर है और हमें कोरोना महामारी को भी ध्यान में रखना होगा। राजनीति से ऊपर उठकर देश पर गर्व करना होगा। ऐसा नहीं है कि देश में समस्या नहीं है, विपक्ष महंगाई पर राजनीति ना करे। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।